डियर स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट द टर्म्स रिलेटेड टू डिजीज। तो मैम, हमारे लास्ट वीडियोस के अंदर हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं? इन्फेक्शियस डिजीज, किसका कॉजिटिव एजेंट कौन कौन से बैक्टीरिया वायरल, इन सबसे कौन कौन से डिजीज फैलती है, और हमने क्या पढ़ लिया था बेटा, उनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। क्लियर बेटा? अब अगर हम बात करेंगे तो कुछ टर्म्स है रिलेटेड टू डिजीज जो बार बार यूज होती है। तो सबसे पहले हम देखो, एक तो हम वर्ड यूज़ करते हैं बार बार में, पैथोजन का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है? आपने याद करते हुए एक आपने पढ़ा होगा इन्फेक्शन, भाई इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, हम यूज़ करते हैं। फिर आपने पढ़ा होगा इन्फेक्शन के बाद में एक होता है इनक्यूबेशन पीरियड, क्या होता है बेटा इनक्यूबेशन पीरियड, कि इसका इतने दिन के अंदर इनक्यूबेशन पीरियड, आपने ये टर्म जरूर सुनी है। इनका मतलब क्या होता है, एक होता है कॉन्टामिनेशन, कि कॉन्टामिनेटेड फूड खाया, कॉन्टामिनेटेड वाटर है, सबने सुन रखा है ना बेटा, हमने क्या कहा कॉन्टामिनेशन। एक होता है इन्फेस्टिएशन, एक क्या होगा बेटा इन्फेस्टिएशन होगा, क्लियर है? और लास्ट में अगर हम बात करेंगे एक होता है एटायोलॉजी। तो इम्पॉर्टेंट टर्म्स आ जाती है अकॉर्डिंग टू सम रिलेटेड टर्म्स है जो किससे है बेटा, डिजीज से है। आपको याद होना चाहिए पैथोजन, इन्फेक्शन, हमें वर्ड तो जरूर सुनते हैं लेकिन इनका मतलब क्या होता है। तो अगर वही बात करें, पैथोजन का मतलब क्या होगा, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उन्हें हम क्या कहते हैं पैथोजन कहेंगे। जो डिजीज कॉज करते हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं पैथोजन, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गई, ठीक है, वॉर्म्स हो गई, इन सब चीज़ों का हम क्या कह रहे हैं बेटा पैथोजन, जो किसी भी तरह की कोई भी बीमारी को कॉज करेंगे। इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, एंट्री ऑफ पैथोजन एंड देयर मल्टीप्लीकेशन इन बॉडी, एंड देयर मल्टीप्लीकेशन इन बॉडी इज नॉन एज इन्फेक्शन, कि पैथोजन ने हमारे अंदर एंट्री की और वो हमारे अंदर रिप्रोड्यूस कर रहा है, हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं इन्फेक्शन कहेंगे, क्या कहेंगे इन्फेक्शन कहेंगे। इनक्यूबेशन का मतलब क्या होता है, आपको इमेजिन करो आज किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एंट्री की, पैथोजन एंट्री कर गया, हमारी बॉडी में गया, उसने हमारी बॉडी में रिप्रोड्यूस किया। मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन है, उसने हमारी बॉडी के अंदर रिप्रोड्यूस किया और आफ्टर सम टाइम हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं उस किसी डिजीज के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, तो वो पीरियड क्या कहलाया जाता है, इनक्यूबेशन पीरियड कहलाया जाता है। से मलेरिया का अगर हम बात करेंगे तो 14 डेज है, ऐसे कॉमन कोल्ड का 1 to 2 डेज होता है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना इनक्यूबेशन पीरियड होता है। जब डिजीज मैं आपको बताऊंगी तो वहाँ हर एक का इनक्यूबेशन पीरियड भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे ज़्यादा इनक्यूबेशन पीरियड होता है एड्स का, जिसके सिम्टम 9 साल में दिखाई देते हैं मैक्सिमम, ठीक है, 9 से 12 साल भी हो सकते हैं, 1 साल से मतलब ज़्यादा ईयर से ज़्यादा इनक्यूबेशन पीरियड है। तो इसीलिए हमें एड्स का सिम्टम नहीं दिखाई दे रहे तो हमें लगता ही नहीं कि एड्स है या नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमारे लास्ट स्टेज में जब सिम्टम दिखाई देने लगते हैं तो तब तो बहुत ही देर हो चुकी होती, क्योंकि 9 साल के अंदर इसके सिम्टम प्रॉपरली दिखाई देने शुरू होते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, इनक्यूबेशन पीरियड। तो इनक्यूबेशन हम पीरियड क्या कहेंगे, द टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन भी एंट्री की है मैथोजन ने, इन्फेक्शन एंड अपियरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम, एंड अपियरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम, जब हमें सिम्टम दिखाई देने शुरू हो रहे हैं, ठीक है, सिम्टम्स, तो वो पूरा पीरियड क्या कहलाया जा रहा है, इनक्यूबेशन पीरियड। क्योंकि पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो सीधा हमें डैमेज नहीं कर सकता, बिकॉज हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है जो उसको किल करने का काम करती है। लेकिन जब वो एंटीबॉडीज से जीत जाता है, ये हम आपको सारा बताएंगे किस तरह से क्या होता है, तो उस कंडीशन में वो अपने आप को अपने हमारे अंदर एस्टेब्लिश कर चुका है, वो मल्टीप्लाई कर रहा है, हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर रहा है, हमारे ऑर्गन हमारे जो भी पार्ट्स से डैमेज हो रहे हैं, तब हमारे अंदर हमें फील होता है और उस डिजीज का सिम्टम दिखाई देना शुरू होता है। तो उतना वो पीरियड क्या कहलाया जाता है, इनक्यूबेशन पीरियड कहलाया जाता है, ठीक है बेटा। कॉन्टामिनेशन का मतलब कहते हो कि कॉन्टामिनेटेड वाटर, हमने डिजीज क्यों होगा, क्योंकि हमने कॉन्टामिनेटेड वाटर पिया है, फूड पाया, तो कॉन्टामिनेटेड का मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ पैथो, हम खाली क्या कह रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ पैथोजन इन नॉन लिविंग आइटम्स, इन नॉन लिविंग आइटम्स, या हम किसके अंदर हो सकता है, आइटम का मतलब क्यों नाम दे रहे हैं यहाँ पे, वो
कॉन्टामिनेटेड फूड हो सकता है, वाटर हो सकता है, हम इन्हीं को तो हम कहते हैं कि फूड कॉन्टामिनेटेड है, वाटर है, कि ये भी दूषित है, प्रदूषित है। इसका मतलब हमने क्या, पोल्यूशन तो अलग चीज़ हो गई है कि कॉन्टामिनेटेड है, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। जब कोई भी पैथोजन कहाँ प्रेजेंट होता है, नॉन लिविंग मैटर के अंदर, से फूड है, वाटर है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टामिनेशन वर्ड यूज़ करेंगे। अब इन्फेस्टेशन का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ पैथोजन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ पैथोजन इन ऑन नॉन लिविंग मैटर। नॉन लिविंग मैटर के ऊपर जब मल्टीप्लीकेशन होती है, रिप्रोडक्शन करता है वहां पे वो, मल्टीप्लीकेशन का मतलब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, रिप्रोडक्शन से लोगे, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ पैथोजन ऑन द नॉन लिविंग मैटर, नॉन लिविंग मैटर में क्या हो सकता है, वही फूड भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, या फिर अगर हम बात करेंगे क्लॉथ्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी क्या हो सकता है बेटा, क्लॉथ्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी क्लॉथ आ जाएगा। तो खाली हमने प्रेजेंस की बात की है, जनरली हम इन्हीं के अंदर मेन बात करेंगे तो उसे हम कॉन्टामिनेटेड कह देंगे, लेकिन लॉन्ग टाइम तक वहीं पर प्रेजेंट और वहाँ पर वो मल्टीप्लाई रिप्रोड्यूस भी करना शुरू कर देता है, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, इन्फेस्टेशन। इन्फेक्शन, इन्फेस्टेशन बिल्कुल अलग टर्म है। इन्फेक्शन का मतलब क्या, एंट्री ऑफ पैथोजन, बॉडी के अंदर एंटर करना, वहां मल्टीप्लाई करना। इन्फेस्टेशन का मतलब क्या है, नॉन लिविंग मैटर के ऊपर मल्टीप्लाई करना, वो चीज क्या कहलाई जाएगी, इन्फेस्टेशन कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी, इन्फेस्टेशन। इटाइलोजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ फैक्टर्स और कॉजेस विच कॉज डिजीज। ये वो फैक्टर्स हैं या कॉजेज होंगे जो क्या कॉज करते हैं, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिजीज के लिए। फैक्टर भाई मैंने आपको पहले बता चुका है, एनवायरमेंटल फैक्टर है, कोई जेनेटिक फैक्टर है, या कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के कारण हो रहा है, तो उन जिन फैक्टर के कारण, इसके कारण बीमारी हुई है, उन फैक्टर्स की स्टडी क्या कहलाई जाएगी, इटायोलॉजी कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी, इटायोलॉजी कहलाई जाएगी। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो हमने सबसे पहले क्या कहा, पैथोजन। पैथोजन का मतलब क्या होगा, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसे हम क्या कह रहे हैं, पैथोजन कह रहे हैं। इन्फेक्शन का मतलब क्या होगा, एंट्री ऑफ पैथोजन इन बॉडी एंड द मल्टीप्लीकेशन, उसे हम क्या कह रहे हैं, इन्फेक्शन। इनक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या है, वो टाइम होगा जो इन्फेक्शन हुआ है, जहाँ से एंट्री किए तब से, और फर्स्ट सिम्टम जो दिखाई देता है डिजीज का, वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी, इनक्यूबेशन पीरियड कहलाई जाएगी। कॉन्टामिनेशन का मतलब क्या है, प्रेजेंस ऑफ पैथोजन इन द नॉन लिविंग मैटर, सच एज द फूड, वाटर, किसी भी फूड आइटम के अंदर प्रेजेंट है, उसे हम कॉन्टामिनेशन कह देंगे। इन्फेस्टेशन का मतलब मल्टीप्लीकेशन, किस पे करना, नॉन लिविंग मैटर के ऊपर करना, उसे इन्फेस्टेशन कह देंगे। और फैक्टर्स को जानना जो डिजीज कॉज करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, इन्फेस्टेशन कहेंगे। क्लियर है बेटा, तो ये समझने के लिए जरूरी होती है बेटा। मेन आपको इनक्यूबेशन पीरियड पूछते हैं कि किसका मलेरिया का इनक्यूबेशन पीरियड कितना, ये हम सब बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये टर्म, क्योंकि बार बार ये टर्म्स आती हैं, आपने पढ़ भी रखा है, मुझे नहीं पता आपको उनका मतलब पता है नहीं है, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है। पता लग गया बेटा, तो ये हमने क्या कही, कुछ टर्म्स जो किससे रिलेटेड है, डिजीज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बेटा, जो डिजीज से रिलेटेड है। नाउ वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी टॉपिक फॉर द 9th क्लास, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी हमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। यहाँ हमारे पास में क्या आ जाएगा बेटा, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। देखना एनसीईआरटी के अंदर हमारे पास दिया हुआ है ये मैनिफेस्टेशन। आपको एनसीईआरटी की हर चीज़ करनी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। अब आते हैं मैनिफेस्टेशन। ऑर्गन स्पेसिफिक तो समझ गए, जो ऑर्गन से रिलेट कर रहा है मेनली, एक पर्टिकुलर ऑर्गन से रिलेट करेगा, पर्टिकुलर टिश्यू से रिलेट करेगा। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है, रास्ता। क्या होता है, रास्ता, जहाँ से जो गया है, ठीक है, वहीं पे डैमेज करना, वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी, मैनिफेस्टेशन कहलाई जाएगी। अ पाथवे टू एंट्री ऑफ द पैथोजन। हम मैनिफेस्टेशन को क्या कहते हैं बेटा, पाथवे ऑफ पैथोजन टू एंटर द बॉडी, वो चीज़ क्या कहलाई जाती है, मैनिफेस्टेशन, रास्ता एक तरह के। मैं मुझे कहीं जाना है, अरेवाड़ी जाना है, मैं सीधा यहाँ से गई हूँ, तो सीधा रास्ता तो सबने क्या कहा,
भाई मैनिफेस्टेशन कहते हैं, तो पैथोजन जिस रास्ते से जाते हैं वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी, मैनिफेस्टेशन कहलाई जाएगी। तो जनरली अगर हम बात करेंगे हर एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो स्पेसिफिक है। अगर कोई देखो हमारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जरूरी नहीं देखो मैंने क्या कहा भाई मुझे रेवाड़ी जाना है या तो मैं सीधा नारनौल में रह रही हूँ, मैं नारनौल से सीधा रेवाड़ी चले जाऊँगी। एक मैंने कहा नारनौल मुझे घूम कहाँ गई, पहले मैं महेंद्रगढ़ गई या कोई रूट नहीं, फिर महेंद्रगढ़ से मैंने करीना का रास्ता पकड़ा, करीना से मैंने कहाँ गया रेवाड़ी। तो रास्ता कुछ भी हो सकता है लेकिन टारगेट जहाँ पे पहुँचेंगे वो। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म अगर हम बात करेंगे पैथोजन में बेटा रास्ता कोई भी हो कहीं से भी जाएंगे, बट हर कोई क्या होगा एक ऑर्गन स्पेसिफिक ही होता है, और क्या होगा एक टिश्यू, जिस टिश्यू को डैमेज करेगा उसको डैमेज वो करता ही करता है, जिसे हम क्या कह रहे हैं ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन कहेंगे। जिसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए उसको समझना बड़ा, इससे आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। 3-4 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अगर हम बात करेंगे जो भी पैथोजन, द पैथोजन विच एंटर फ्रॉम नोज, जब हमारे नोज से पैथोजन एंटर कर रहा है, द पैथोजन विच एंटर फ्रॉम द नोज किसको डैमेज करते हैं वो, अगर वो है उसका स्पेसिफिक है वो उसका, तो ऑलवेज डैमेज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। किसको डैमेज करेंगे भाई, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही डैमेज करेंगे। अब हालांकि देखो बड़ा ध्यान रखना, हर एक को ये नहीं पता होता है अगर उसका वो टारगेट ऑर्गन मिल जाएगा तो उसको जरूर डैमेज करता है। एक अगर बाहर अगर हम बात करें कोई रेस्पिरेटरी से रिलेटेड नहीं है, हमने उसे इनहेल किया और हमारे रेस्पिरेटरी को नहीं डैमेज कर सकता तो वो डैमेज नहीं करेगा, हम उसे सांस के साथ बाहर भी निकाल देंगे। लेकिन जो मेनली जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेट है अगर वो नोज से ही एंट्री करेंगे तो ही किसको डैमेज करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम को वो डैमेज करेंगे ही करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें निमोनिया का बैक्टीरिया है वो नोज से एंट्री करता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस का है किससे एंट्री कर रहा है, नॉज से एंट्री कर रहा है। कॉल्ड का है किससे एंट्री कर रहा है, नॉज से ही। जैसे अगर वो नॉज से एंट्री कर रहा है, नॉज से एंट्री करेगा तो इसको अपना टारगेट ऑर्गन मिल जाएगा। टारगेट ऑर्गन क्या मिल जाएगा बेटा, उसको अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो मिल जाता है। तो याद रखना है बेटा जो पैथोजन एंटर कर रहा है नॉज से वो ऑर्गन स्पेसिफिक किसको कर रहा है बेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को कर रहा है। एंड द पैथोजन विच एंटर फ्रॉम माउथ, भाई माउथ से, माउथ के अंदर हमारा कहाँ पे गया, बक्कल कैविटी के अंदर, बक्कल कैविटी से हमारा ईसोफेगस के अंदर जाता है, ठीक है। मतलब फेरिंग्स और फेरिंग्स के बाद कहाँ जाएगा, ईसोफेगस। हालांकि फेरिंग्स इज कॉमन फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम एज वेल एज फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कॉमन पाथवे हो जाता है, लेकिन मोस्टली वो नोज से तो सीधा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर करता है। पर अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो माउथ से मोस्टली एंटर करते हैं, खाने के साथ हमारे पास जा रहे हैं तो हमेशा हमारे पास किसके अंदर जाएंगे, हमारे फूड पाइप के अंदर जाएंगे, और हमारा क्या डैमेज कर देते हैं वो, डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर वो उससे रिलेट है तो ही करेगा। अगर कॉलेरा का पॉजिटिव एजेंट, कॉलेरा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कर रही है, टाइफाइड है बेटा, क्या है, टाइफाइड। अगर इनका पॉजिटिव एजेंट अगर किससे एंटर कर रहा है, माउथ से एंटर कर रहा है तो ही वो डैमेज करेंगे, अगर वो नॉज वगैरह से जा रहे हैं तो नहीं डैमेज करेंगे, ब्लड से गए तो हमारी इस ऑर्गन को डैमेज नहीं करते हैं जनरली। इसलिए हमने रास्ता कहा है, आ रहे ना मेरी बात समझ में। थर्ड अगर हम बात करेंगे, अब हमने क्या कहा स्पेसिफिक है, रास्ता कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा एक तो मैं सीधे रास्ते से जाऊं, इनको सीधा रास्ता मिल गया इन्होंने डैमेज कर दिया। एक हमने क्या कहा घूम के जा रहे हैं। जैसे अगर हम मलेरियल पैरासाइट को हम बात करेंगे, किसको बात करेंगे बेटा, मलेरियल पैरासाइट हमने क्या बात की थी, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम किससे फैल रहा था बेटा, फीमेल एनाफिलीज से फैल रहा था। किससे फैल रहा है, फीमेल एनाफिलीज से फैल रहा है, और फीमेल एनाफिलीज क्या करते हैं हमारे ब्लड के अंदर गई है वो। हालांकि उसको जो डैमेज करना होता है आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी को डैमेज करेगी, बट सीधा नहीं कर रही है वो, ब्लड से किसके अंदर जाती है, लीवर के अंदर, और लीवर के बाद किसके अंदर जाता है वो, ह्यूमन आरबीसी के अंदर जाता है। बेटा तुम्हें याद रखना है, रास्ते बताए गए हैं आपको, एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल दे रखे हैं, तो आपको याद रखना है ऑर्गन स्पेसिफिक बता रखे हैं, रास्ता बता रखा है कि मलेरियल पैरासाइट ऑलवेज एंटर फ्रॉम द
ब्लड बाय द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइटिंग, देन ब्लड में सीधा आरबीसी को डैमेज कर नहीं कर पाता है वो, क्योंकि तो उसको लीवर में जाना होता है। क्यों जाना होता है, हम आपको जब मलेरिया के बारे में बात करेंगे वहाँ डिटेल में बता देंगे लीवर के बाद किसके अंदर गए ह्यूमन आरबीसी और किसको डैमेज करता है वो, ह्यूमन आरबीसी को डैमेज करता है। ऐसे जो फोर्थ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैपनीज एनसेफेलाइटिस, जिसे हम ब्रेन फीवर कहते हैं, दिमागी बुखार जिसे आप बोलते हो, ब्रेन फीवर जिसे कॉमनली आप बोलते हो, ये किससे फैलता है बेटा? मैंने आपको कल भी बताया था किससे फैलेगा, एडिस से फैलेगा। किससे फैलता है मॉस्किटो, कौन सा होता है? एडिस होता है। एडिस किसके अंदर गया? हमारे ब्लड के अंदर। अगर वो ब्लड से बाहर जाला तो कोई डैमेज, अगर वो ब्लड से जाता है तो कहाँ पहुँच जाता है? ब्रेन के अंदर, तो क्या फैला देगा? जैपनीज एनसेफेलाइटिस है। मतलब स्पेसिफिक है, एंट्री किसी से भी कर रहे हैं अपने टारगेट ऑर्गन तक अगर वो पहुँच गए हैं तो 101% वो क्या करेंगे, उस ऑर्गन को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या बताया गया बेटा? हमारे अंदर ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। रास्ता बताया गया कि द्वार होता है जहाँ से एंट्री करेंगे, वहाँ अगर वो उसी का टारगेट ऑर्गन इसको मिल जाता है तो 100% क्या करेंगे बेटा, उसे वो कॉज करते हैं। आपके चार एग्जाम्पल हमारी बुक में दिए हुए हैं, एक और भी दिया हुआ है, एड्स का दिया हुआ है। किसका दिया है? एड्स। एड्स जनरली किससे कॉज होता है? सेक्सुअल इंटरकॉर्स से। किससे होगा बेटा? सेक्सुअल इंटरकॉर्स से कॉज हो रहा है, ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। किससे हो रहा है बेटा? ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और किसको डैमेज करेगा? हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को डैमेज करता है, ठीक है। तो अगर इस सेक्सुअल इंटरकॉर्स के अंदर हुआ है, ब्लड में गया, लेकिन डैमेज हमारे किसको कर देता है? हमारी इम्यूनिटी पावर को डैमेज कर देता है, जिससे हमारा इम्यून रिस्पॉन्स बनता है। क्या इम्यूनिटी होगी, हमारे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम वो डिस्कस करेंगे। तो बेटा आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। आपका क्वेश्चन यहाँ पे आता है, द पैथोजन एंटर फ्रॉम द नोज कोज विच टाइप ऑफ द डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज, डाइजेस्टिव डिजीज, कौन सी करेगा? तो आपको इस तरह से चीज़ें याद रखनी है, जो नोज से करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करने की, वो निमोनिया, टीबी एंड कॉल्ड हो सकती है। पैथोजन जो फूड से माउथ से एंटर कर रहा है, फूड पाइप के थ्रू एंटर कर रहा है, कॉलरा एंड द टाइफाइड हो सकता है, अभी हम पानी पी रहे हैं या फिर फूड खा रहे हैं। जो मलेरियल पैरासाइट ब्लड से है, लीवर, देन ह्यूमन आरबीसी क्या है, तो उसके बाद अगर वो ह्यूमन लीवर में रह गए तो कोई नहीं, हमें नहीं फैलेगा वहाँ पे। अब लीवर से फिर कहाँ एंटर करता है? ह्यूमन आरबीसी के अंदर। ऐसे जैपनीज एनसेफेलाइटिस है, पहले कहा गया ब्लड से कहा जाता है ब्रेन के अंदर। ऐसे एड्स है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से इंटरकॉर्स के ड्यूरेशन पे ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हुआ और फिर क्या हो जाती है, इम्यूनिटी को डैमेज कर देती है। क्लियर है बेटा? आगे मेरी बात समझ में। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़े, कुछ टर्म्स पढ़े, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है समझने के लिए। बाकी जब हमारा नेक्स्ट आएगा कि ट्रीटमेंट्स हम किस तरह से करेंगे, प्रिवेंशन ट्रीटमेंट क्या होगी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके अंदर हम एंटीबायोटिक्स वैक्सीनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक बार मेरे साथ क्विक रिविजन लेंगे बेटा जल्दी से। मैंने इस वीडियो के अंदर क्या बताई है, कुछ टर्म्स बताई है। सबसे पहले कौन सी टर्म बताई है मैंने? पैथोजन। कौन सी टर्म बताई है बेटा मैंने? पैथोजन बताई है। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? बताना आप मुझे। उसके बाद मैंने क्या बताई है? इन्फेक्शन बताई है। इन्फेक्शन के बाद मैंने क्या बताया है? इनक्यूबेशन पीरियड बताया है। इनक्यूबेशन पीरियड के बाद मैंने क्या चीज़ बताई थी? कॉन्टामिनेशन बताई थी। ओके, फिर क्या बताई थी मैंने? इन्फेस्टिएशन बताई थी। और एक टर्म क्या बताई थी? इटायोलॉजी बताई थी, ठीक है। पैथोजन का मतलब क्या होगा? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्फेक्शन का मतलब एंट्री ऑफ द पैथोजन एंड मल्टीप्लिकेशन इन द बॉडी। इनक्यूबेशन जो पहला में सिम्टम दिखाई दे रहा है, इन्फेक्शन से फर्स्ट सिम्टम जो दिखाई दे रहा है वो क्या कहलाया जाएगा? इनक्यूबेशन पीरियड। अपीयरेंस ऑफ द पैथोजन ऑन द नॉन लिविंग मैटर फूड एंड द वाटर, वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी? कॉन्टामिनेशन। और मल्टीप्लीकेशन करना नॉन लिविंग मैटर पे, उसे हम क्या कहेंगे? इन्फेस्टेशन। और उसके कॉजेस को जानना, फैक्टर्स को जानना डिजीज के, वो क्या कहलाई जाएगी? इटायोलॉजी कहलाई जाएगी। देन हमने क्या पढ़ा? ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन पढ़े। क्लियर है बेटा? आगे मेरी बात समझ में। एनी डाउट किसी बच्चे को? अगर किसी बच्चे को किसी भी तरह का डाउट हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम, ठीक है। ओके।